सर का जो आइडिया है वो एक बहुत यूनिक आइडिया है, और जो कॉमेडी को सर जिस वे में ला रहे हैं तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल। कि लाफ्टर सर बेस्ट मेडिसिन होती है किसी भी चीज़ की। दोस्तों मैं अभी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे इंदौर पे हूँ। यहाँ पे मैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय DAVV यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेड टॉक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, टेड एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है और प्लेटफॉर्म देती है, तो यहाँ पे मैं टेड टॉक देने आया हूँ। मेरे साथ कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं जो कि विद्यार्थी हैं, और देखते हैं कि टेड टॉक में क्या होता है। दोस्तों अभी मैं माता अन्नपूर्णा के मंदिर की तरफ से गुजरा हूँ, अभी गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे स्पीकर से मिलूँगा और लंच वगैरह करूँगा, और उसके बाद अपना टेड टॉक होगा शाम को 5 बजे के आसपास। मेरे साथ मोहम्मद अख्तार हैं और मेरे साथ समर्थ हैं, समर्थ भाई, और ये कोमल है, कोमल गोयल। ये लोग सब मुझे रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पे। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों ने क्यों चुना टेड टॉक के लिए। टेड टॉक इज़ समथिंग आइडिया के बेसिस पे, लाइक जो लोग हैं वो अपने आइडिया के बेसिस पे पिच करें टेड में, तो लाइक आइडिया इज़ समथिंग कि इट्स यूनिक अबाउट द पर्सन, जो पर्सन वहाँ पे कर रहा है, अगर उसका जो आइडिया है वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन। सर की बात ऐसी है कि जो सर है, लाइक सर ने हमें एक्सटेम्पोर करने का बोला है, सर का जो आइडिया है वो एक बहुत यूनिक आइडिया है, और जो कॉमेडी को सर जिस वे में ला रहे हैं तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल। आपको क्या लगता है समर्थ भाई, कुछ बोलिए। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि लाफ्टर सर बेस्ट मेडिसिन होती है किसी भी चीज़ की, और अगर किसी को भी कुछ भी कन्वे करना होता है, अगर वो ऐसे लाफ्टर के थ्रू करता है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और लाइक बहुत अच्छा तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। तो कोई भी थॉट अगर जो लाफ्टर करता है, लाइक जो कॉमिक्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा उनकी थिंकिंग होती है, तो कभी अगर हमें भी समझने का मौका मिले कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो करते हैं, तो बहुत सर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वेरी वेल सेड समर। कोमल तुम बोलो। सर एक्चुअली आपका जो रोल है एंड ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है, तो हमें लगा कि आप बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं लाइक कॉमेडी के ऊपर, एंड जैसा कि समर्थ ने कहा कि लाफ्टर सबसे अच्छी मेडिसिन है, सो आपका जो कैरेक्टर है हम उससे बहुत इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में, सो आई थिंक यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट। आई एम द बेस्ट फिट फॉर टेड टॉक। दोस्तों अभी समर्थ जो है वो मेरे लिए पोहा लेने गया है, ये अपना स्वीट्स है जो कि बहुत मशहूर है इंदौर में। इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, और मैं इस हिसाब से शहर में आ गया हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं ये ऐसे मास्क उतार के बोल रहा हूँ आप सबके लिए दिल से, कि एक बात हमेशा याद रखना कि हाँ हाँ कैसे हो आप लोग, बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो, कैसी रही आज आपके स्कूल का दिन? अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखा आपने दोस्तों, जैसे ही मैंने मास्क उतारा यहाँ पे लोगों ने मुझे घेर लिया, तो चलिए फिर अब मिलेंगे वहाँ पे टेड टॉक में, ठीक है, सी यू। दोस्तों ये मुझे टेड टॉक का स्पीकर का बैज मिल गया है, और अब मैं जाऊंगा स्पीच देने, टेड टॉक करने, मज़ा आएगा। मेरा फेवरेट है टेड टॉक, मैंने शाहरुख खान साहब का भी टेड टॉक देखा था, बहुत मज़ा आया था मुझे, तो अच्छा लग रहा है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी शाहरुख खान जैसी फीलिंग आ रही है। आई लाइक इट। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी टेड टॉक देने, और मुझे कुछ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए हैं यहाँ पे, हैं जिसमें से तान्या है जो कहती है फोटोजेनिक नहीं है, पर सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक मुझे यही लग रही है, बहुत बढ़िया फ़ोटो खिंचवाया इसने। तो इन सब के लिए, इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ आई लाइक इट। ओके थैंक यू, लव यू।
बाकी हमको देखने में आपका जो एक्ट बड़ा बटन लगता है, एक तरीके से बोर है। बाकी हम खुद सोचते हैं हम चाय वाले को देखते हैं तो मैं उनकी तरह ऑब्जर्व करूँगा, बाकी वो करने में वैसा हो नहीं पाता। कितना आप लोगों को कैसा लगा स्पीच मेरा? बहुत अच्छा था। डिड आई मेक सेंस? पुराने जो हिंदी के लेखक होते थे वो व्यंग्यात्मक ज्यादा होते थे कि आजकल मेन समझ में आया ना। दोस्तों मैंने टेडएक्स डीएवीवी में इंदौर में अपना स्पीच कंप्लीट कर लिया है और मैंने ये कहा कि गुड कर्मा और बैड कर्मा जो है वो बेसिकली आप अगर खुश हैं तो गुड कर्मा कर रहे हैं, अगर आप ना खुश हैं दुखी हैं तो बैड कर्मा कर रहे हैं। तो बस बहुत जल्दी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। ये था टेडएक्स डीएवीवी का मेरा ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। लव यू।